जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण और चावल के एक दाने की। द्वापर युग में पांडव वनवासी का जीवन जी रहे थे और महाकपटी दुर्योधन हस्तिनापुर में एक राजविलासी जीवन जी रहा था। एक दिन वह ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर अतिथि बनकर पधारे थे। दुर्योधन ने काफ़ी अच्छी तरह से उनका आतिथ्य किया। इसी पवित्र कार्य के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को परास्त करने की एक नई योजना बनाई। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हम अब भोजन करेंगे, तब दुर्योधन बोला कि ऋषियों को भोजन कराना तो एक महापुण्य का कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को देना चाहता हूँ। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य को नज़दीक के वन में बसे युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर के उस समय पांडव द्रौपदी सहित खाना खा चुके होंगे और कुटिया में अन्न शेष नहीं होगा। कुछ ही समय में महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया के सामने थे। वहाँ युधिष्ठिर ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के साथ हुआ अपना वार्तालाप बता दिया और कहा कि मैं और मेरे शिष्य स्नान के पश्चात भोजन ग्रहण करेंगे। इतना कहकर वह सभी ऋषिगण स्नान करने के लिए नदी के किनारे गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह बात तुरंत जाकर द्रौपदी को बताई। द्रौपदी ने कहा, इस वक्त तो हमारे पास कुछ भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी का दिल यह सोचकर घबराने लगा, अगर ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो उन्हें महर्षि दुर्वासा के क्रोध और शाप का पात्र बनना पड़ेगा। उस कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने मित्र सखा कृष्ण को याद करने लगी। उसी वक्त लीलाधर कृष्ण ने द्रौपदी की कुटिया के अंदर प्रवेश किया। उन्हें देखते ही द्रौपदी उनके पास दौड़ती हुई गई और उन्हें अभिवादन करके अपनी समस्या बताने लगी। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम्हारी समस्या को कुछ समय के लिए भूल जाओ और सबसे पहले मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाकर कृष्ण के हाथ में दिया, साथ ही अपनी समस्या भी बताई। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य कुछ देर में भोजन करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन घर में तो जरा सा भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और पात्र में देखने लगे। इस पात्र में चावल का सिर्फ एक दाना बचा था। वह देखकर भगवान कृष्ण बोले, ये क्या, इसमें तो बहुत खाना बचा है। और वह चावल का वह एक बचा हुआ दाना उन्होंने खा लिया। इधर कृष्ण के चावल का वह दाना खाते ही उधर स्नान करके नदी से बाहर निकले महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया और उन्हें डकारें आने लगी और वह युधिष्ठिर की कुटिया की ओर जाने की बजाय अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। इस तरह चावल के एक दाने से ही कृष्ण भगवान ने ऋषियों का पेट भरकर उनके क्रोध और शाप से पांडवों की रक्षा की। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम।